बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रूटीन। रूटीन शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल ज़्यादा फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो प्यारे व्यूवर्स, बस सुबह का टाइम है, उठे हैं सहरी के लिए, तो सहरी का इंतज़ाम करते हैं। साथ रहिएगा प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो आप सब बहन भाई के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं भी आप सब बहन भाई को सपोर्ट करूँगी। तो चलते हैं चूल्हे के पास और इंतज़ाम करते हैं सहरी का। आटा छाना है और अब आटा गूंदने लगे हैं। इधर चाय बन रही है। रौनकें लगी हुई हैं रमज़ान की। माशाल्लाह आज ना 10वां रोज़ा है, तो वीडियो मुझे लग रहा है कि 11वें रोज़े पे अपलोड होगी। जल्दी जल्दी से रोज़े जा रहे हैं, पता भी नहीं चला। मौसम इतना प्यारा है ना, ठंडे ठंडे रोज़े हो गए, ज़रा भी नहीं पता चलता कि रोज़ा रखा हुआ है। चाय पक चुकी है और इधर मैंने पेड़े बना लिए हैं। ये दही पड़ा है, चाय उतार के नीचे रखूँगी और फिर मैं पराठे बनाने लगी हूँ। टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी पराठे बन चुके हैं। दही प्लेटों में डाल दिया है, लस्सी पड़ी हुई है, चाय भी बन गई है। तो अभी हम बैठेंगे और खाएंगे सहरी। ना आटा ख़त्म होने वाला था तो दाने साफ़ करने थे, छत पे आए हुए हैं इधर दाने साफ़ करने के लिए, तो दाने साफ़ कर रहे हैं। ये रह गए हैं थोड़े से, तो थोड़े से जो इतने से हैं वो कर लिए हैं साफ़। तो मौसम देख लें, मौसम अभी भी बादल हैं, तो मैं साथ साथ दाने साफ़ कर रही थी और साथ दुआ कर रही थी कि अभी ना मौसम जो थोड़ी देर के लिए ठीक ही रहे, तो हम जल्दी से अपना काम कर लें, नहीं तो मुझे दाने वगैरह उठा के भागना पड़ेगा। तो कर रहे हैं साफ। मैंने कहा कि रोज़ा रखा हुआ है तो ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, जल्दी जल्दी से ना ये काम ख़त्म हो जाए। और मिट्टी को भी इधर साथ ही लेके आए हुए हैं। जब इसे छोड़ के आते हैं ना नीचे अकेला, तो बोलना शुरू हो जाता है। जहाँ काम करना होता है वहीं इसे साथ रखना पड़ता है। मिट्टी और ये देखें इधर ना, जब बारिश आती है तो इधर ये ना प्लास्टिक का कवर डाल के, तो बारिश के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है कि नीचे पानी ना जाए बारिश का। तो अभी ये हम दाने साफ़ कर लें जल्दी जल्दी से। दाने साफ़ करने के बाद बर्तन धोने वाले थे, तो नीचे आके हमने धोए हैं बर्तन। तो बर्तन उठा के अब रख रही हूँ ऊपर। इधर ले आए हैं बर्तन, तो रख रहे हैं टोकरी में। रमज़ान शरीफ की वजह से ना बर्तन इतने ज़्यादा धोने वाले होते हैं, ज़्यादा चीज़ भी नहीं बनाते फिर भी देख लें बर्तन कितने होते हैं धोने वाले। शाम का टाइम है और अफ्तारी के लिए इंतज़ाम करने लगे हैं। तो आज बनानी है आलू की टिक्कियाँ। तो ये आलू उबाल के छील के ना बारीक पीस लिए हैं, तो इसमें साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं।
और इधर है नमक मिर्च मसाला और साथ है धनिया और इधर है प्याज बारीक कटी हुई। तो ये अब ना सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ हाँ जी, तो मैंने हाँ बोला था, बेटी पूछ रही थी डाल दूँ इसमें। तो ये प्याज डाल दिया है और ये धनिया, और ये मसाले डाल दिए हैं। तो अब इनको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें टिक्कियाँ बना ली हैं मैंने। तो अब बना रही हूँ बेसन, जो इसके ऊपर लगाना है। बेसन जो है ना वो तैयार कर लिया है टिक्कियों को लगाने के लिए। तो अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। इसमें नमक मिर्च मसाला डाला है हल्का सा, ज़्यादा नहीं तेज किया। टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, कुछ हो गई हैं। ये पिन व्हील्स हैं, उस दिन के फ्यूल किए हुए थे, पहले बनाए थे 2-3 दिन पहले। तो ये भी साथ फ्राई करने हैं। और साथ है ये अंडा, तो ये टिक्कियों को फ्राई करना है। और साथ ही रायता बनाया हुआ है। तो माशाल्लाह हमारा काम जो हो रहा है साथ साथ हो जाएगा जल्दी। माशाल्लाह से अफ्तारी की चीज़ें जो हैं वो सारी हमने रख ली हैं, पास सेट कर ली हैं। तो ये आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं आज हमने। ये मीठी सेवियाँ हैं, रायता, खजूर, जामशीरी, तो अभी कुछ मिनट रहते हैं रोज़ा खुलने में। उधर भी रख दो अपने पापा के सामने। रोज़ा इफ्तार हो चुका है, रोज़ा इफ्तार कर लिया है हमने माशाल्लाह से। आप बाकी चीज़ें खाएंगे। बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनी हैं। तो पहले ये बैठ के खाते हैं, तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी बाद भी। अफ्तारी हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ ली है। तो
तो प्यारे बस ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआ में याद रखना, मैं भी आप सब बहन भाइयों को दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ वीडियो का करते हैं एंड। अगली नई प्यारी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।